हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द शेड्स ऑफ निधि। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ एक और मिंत्रा हॉल एंड रिकमेंडेशंस। एज यू ऑल नो, मिंत्रा की सेल बस अब एंड ही होने वाली है एंड वी हैव सम फ्यू डेज लेफ्ट विद दिस सेल। सो हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे आइटम्स हैं और ऐसे ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपको अभी रिकमेंड करना चाहती हूँ, जो आप इस जाती हुई सेल से भी फटाफट से पिक कर लो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैज दी हॉल पैक लिंक एंड उस हॉल पैक लिंक में जाके आप सभी प्रोडक्ट्स को जाके चेकआउट कर सकते हो। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड हेयर एंड नाउ एंड आई गॉट दिस वुमेन मैरून फ्लेयर प्रिंटेड प्लाजो इन दिस साइज 28। ये साइज थोड़ा सा इसका कुछ अजब गजब था, मैंने इसको दो बार इसको रिप्लेस करके मंगवाया है एंड 28 इज एक्चुअली इट्स अ हाई राइज प्लाजो। दिस इज द प्लाजो, ये बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही फ्लोई सा प्लाजो मेरे को ये दिख रहा था एंड इस पे से जो क्लोजर है इसमें से बटन्स क्लोजर है एंड पीछे से इलास्टिकेटेड इसमें बैंड दिया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा। अगर आपको कोई इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना हो, वोहो लुक क्रिएट करना हो, बहुत ही अच्छा एंड कम्फर्टेबल प्लाजो है। सूट्स वगैरह के साथ को अगर आपको कैरी करना हो, कुर्ता वगैरह है आपके पास है, कोई प्लेन सॉलिड कुर्ता है, वाइट कलर कुर्ता एंड ऑल दैट, सो आप उसके साथ बहुत अच्छे स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। इवन आप इसको क्रॉप टॉप वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत 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 अच्छा लगेगा। एज यू ऑल नो, शादियों का भी काफ़ी सीजन है तो मैंने शादी से अप्रोप्रिएट कुछ वेडिंग काइंड ऑफ पार्टी अप्रोप्रिएट भी मैंने कुछ चीज़ मंगवाई है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम द ब्रांड मिमोसा एंड आई गॉट दिस पिंक एंड गोल्ड टोन वुमेन डिज़ाइन दुपट्टा एंड ये एक्चुअली बनारसी दुपट्टा है जो मैंने मंगाया है। Let me show this to you. So this is the pink dupatta which I'm talking about, जो टैक पिंक कलर का दुपट्टा है, बनारसी दुपट्टा है एंड मेरे पास कुछ ऐसे सूट्स हैं जिसके ऊपर पिंक कलर का दुपट्टा बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए मंगवाया है एंड ये ऐसे काइंड ऑफ बनारसी दुपट्टाज आपके वार्डरोब में एक दो होने चाहिए, वर्सटाइल कलर्स होने चाहिए, बेसिकली पिंक गोल्डन एंड ऑल दैट, जो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ चले जाएँ। दिस इज द पिंक दुपट्टा विच आई गॉट एंड इसकी इस तरह से आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह मतलब देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, ऐसे इसमें डिज़ाइन है, बीच में छोटा डिज़ाइन है एंड डेफिनेटली यू कैन यू आर जस्ट बाइंग फॉर योर मदर ऑल्सो, और अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वालिटी इसकी, बहुत ही ज़्यादा ए ग्रेड क्वालिटी है दुपट्टे की एंड प्राइस के अकॉर्डिंग लिटरली बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड आई जस्ट डेफिनेटली लाइक इट। लेंथ ऑफ द दुपट्टा एंड हाइट इसकी मतलब ये जो साइज से ये जो क्या कहते हैं इसको, जो भी साइज कहते हैं, ये भी काफ़ी अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम द ब्रांड सासफ्रास एंड आई गॉट दिस ब्लैक मिडी पेंसिल स्कर्ट इन द साइज 32। दिस स्कर्ट इज एक्चुअली ऑफिस अप्रोप्रिएट स्कर्ट और फॉर्मल अप्रोप्रिएट स्कर्ट, वैसे भी आप इसको काफी तरह से स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सी पेंसिल स्कर्ट है ये एंड दिस इज द स्कर्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बिल्कुल प्लेन स्कर्ट है, इसमें कोई कट वट नहीं है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट करके बड़ी थी इसमें कट भी होगा बट कट नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलता है। कट के बिना भी कुछ कुछ स्कर्ट बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ही अच्छा बॉडी हगिंग ड्रेस है, स्ट्रेचेबल नहीं है, मतलब स्ट्रेचेबल थोड़ी बहुत है ये, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, बट इसका कपड़ा जो है वो पॉलिएस्टर का कपड़ा है एंड तब भी काफ़ी अच्छा एंड रिच लुक देती है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो द नेक्स्ट आइटम इज़ फ्रॉम द ब्रांड येलो चाइम्स। येलो चाइम्स आपको याद है मैंने पिछली हॉल पे भी दिखाया था येलो चाइम्स का, तो मेरे पास एक रिकमेंडेशन है येलो चाइम्स की। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड येलो चाइम्स एंड दिस इज इज रोडियम प्लेटेड सिल्वर टोन वाइट एडी स्टडेड ज्वेलरी सेट विच आई गॉट एंड ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगवा लिया था एंड दिस इज अ रिकमेंडेशन बिकॉज ये मुझे सेट बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मैंने इसको ऐसी एक लुक क्रिएट करने के लिए मंगवाया था। सो दिस इज सेट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये इस टाइप के डब्बे में आया था। मैंने इसकी पैकेजिंग भी संभाल के रखी क्योंकि काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग वगैरह थी एंड लेट मी शो द सेट टू यू। बेसिकली मैंने एक दीपिका पादुकोण का ऑस्कर लुक रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी तो मैंने उसके लिए इसको मंगवाया था, उसको स्टाइल करने के लिए एंड दिस वॉज द ओनली चीपेस्ट नेकलेस अवेलेबल जो मैंने ट्राई किया था एंड आई गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल नेकलेस। यू कैन सी ये कुछ इस टाइप से है, ये बहुत ही एलिगेंट लगता है आपको अगर ऐसे पार्टी वेयर में, मतलब ऐसे आपको वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हो और आप इसको ऑब्वियसली इंडियन वेयर के साथ स्टाइल भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एंड प्रिटी लग रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर ना ये ऐसे इयर रिंग्स हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। बहुत ही इसकी क्वालिटी वगैरह इतनी अच्छी क्वालिटी है, नग वग जो इसके हैं बिल्कुल ऐप लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। द नेक्स्ट आइटम इज़ फ्रॉम द ब्रांड वॉयला एंड आई गॉट दिस सिल्वर प्लेटेड ब्रास ऑक्सीडाइज कंटेम्प्रेरी ईयर कफ एंड ये मुझे बहुत ही यूनिक से ईयर कफ लगे थे। मैंने एकदम से इसको देखा एंड मैंने मंगवा लिया। सी ये कुछ इस तरह से धनुष बाण से बने हुए हैं एंड इस पर ऐसे योद्धा लिखा हुआ है। इफ़ यू कैन सी इसमें इस तरह से योद्धा
दिखा हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। आई थिंक मैं इसको अच्छे से जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ दिखाने में, बट वट एवर इज शोन इन द इमेज ये बिल्कुल सेम है। इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। जस्ट वेयर दीज ईयर कफ्स, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं, बहुत ही यूनिक इसका डिज़ाइन था। सो द नेक्स्ट आइटम आर द बैग्स आइटम विच आई गॉट, एंड आई गॉट दिस लावी फे गोल्ड टोन सीक्वेंट पोटली, एंड मैं इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, मैंने इसे गोल्डन कलर में मंगवाया है। इसमें रेड, ब्लैक एंड रोज गोल्ड कलर भी है। मैं इसमें डेफिनेटली ब्लैक कलर भी सोच रही हूँ मंगवाने का, बट अभी मेरे पास अभी गोल्डन कलर है। इस तरह से बैग है मेरा, एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा पार्टी अप्रोप्रिएट बैग लगा। इसकी इस तरह से ऐसे स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, एंड ये आपका ऐसे फ्रिल्स हैं ऑल ओवर। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। लावी का बैग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा पार्टी अप्रोप्रिएट है। बहुत ही मतलब आँखें ऐसे घूम के देखेंगे कि भाई ये पर्स कहाँ से लिया है। इस तरह से आपको मतलब कमेंट्स मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जिगली सा एंड बहुत ही अच्छा बैग लग रहा है। ये काफ़ी सारे इंडियन आउटफिट्स के साथ जाता है, काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ चला जाता है, वैसे भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी चला जाता है। ट्वर्ल सा करते रहो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आप ऐसे ऐसे आप रखोगे बहुत अच्छा लगेगा। द नेक्स्ट आइटम इज फ्रॉम द ब्रांड हेयर एंड नाउ, एंड आई गॉट दिस वुमेन ब्लू सॉलिड ए लाइन ड्रेस इन दिस साइज एल विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ। सो ये एक ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल ब्लू प्लेन ड्रेस है, ऑफिस अप्रोप्रिएट है, या फिर आपको पार्टी वगैरह में भी पहन के जाना हो, बहुत ही ईजी ब्रीजी आपको ड्रेस पहननी हो तो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी ड्रेस है। मैंने इसे बाय द वे इन ईयर रिंग्स के साथ ट्राई किया है। दीज ईयर रिंग्स आर रिसेंटली गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर। मेरी सरोजनी नगर की भी एक हॉल आने वाली है जल्दी ही मेरे चैनल पे, तो वो भी आप चेक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो द लास्ट आइटम इन दिस हॉल इज फ्रॉम द ब्रांड स्टाइली, एंड आई गॉट दिस टेक्स्चर्ड स्ट्रक्चर्ड शोल्डर्ड, भाई क्या नाम है, टेक्स्चर्ड स्ट्रक्चर्ड शोल्डर बैग विद बकल डिटेल। मेरी टंग ट्विस्टर हुई है। तो ये कुछ इस तरह से बैग मेरे को रिसीव हुआ है। ये इसे जटाक रेड कलर में है, इसमें इस तरह से बकल डिटेलिंग है। इसकी चेन्स वगैरह की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, एंड ऑल इन ऑल ये बैग मुझे बहुत ही अप्रोप्रिएट लगा कि मैं इसके साथ भी इसे कैरी करूँ। कितना अच्छा लगेगा अगर मैं इसे पार्टी वगैरह में जाऊँ, इसको ऐसे से कैरी करूँगी तो बहुत अच्छा लगने वाला है। सो अगर आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ पे इस तरह से इसे कुछ फ्लैप दिया हुआ है, ऐसे कुछ डिज़ाइनिंग दी हुई है। यहाँ पे एक चेन है आपका, डिसेंटली काफ़ी अच्छा सामान में थोड़ा बहुत आपका फ़ोन वगैरह कुछ डिसेंट सामान आ जाएगा, इतनी इसमें है डिसेंट स्पेस है। क्वालिटी वगैरह पर्स की बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इस पर्स की, एंड इसका जो बकल है एंड इसका जो डिज़ाइन है, इसमें इंग्रेव्ड जो डिज़ाइन है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्ट्रक्चर बैग में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हो, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स में मिंत्रा में पड़े हुए हैं, आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो ऐसे काइंड ऑफ पर्सेस पे। ऐसे स्ट्रक्चर बैग्स बहुत ही पार्टी अप्रोप्रिएट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। माय लास्ट रिकमेंडेशन, आई थिंक मैंने काफ़ी आपको कुछ ऐसे यूजफुल पीसेस दिखाए हों जो आपको अच्छे लगे हों। टू कमेंटेड आउट, अगर आपको कोई भी पीस इसमें से अच्छा लगता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करना। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, हॉल पैक के लिंक में आप जाके उसमें चेक कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। एंड इफ यू जस्ट लाइकिंग माई कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। And we will meet you next time. Tab tak ke liye, bye bye.